हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हम पहले दो पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट की वीडियो बना चुके हैं और उनका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम वाटर ट्रांसपोर्ट का भी प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जैसे कि सी के अंदर, समुद्र के अंदर हम इनसे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, ये पिक्चर देखिए। जी हाँ, ये है क्रूज शिप। तो इसमें जो है बहुत सारे यात्री सामान इनको हम इसके अंदर लाद के जो लेके जा सकते हैं, इसके अंदर यात्री भी बहुत सारे जो हैं आ सकते हैं। तो क्या है ये क्रूज शिप? ये देखें, ये है सबमरीन, इसको पनडुब्बी कहते हैं। ये पानी के अंदर ही जो है रहती है, बिल्कुल पानी में डूब जाती है और अंदर ही यह रहती है, तो इसलिए इसका नाम पनडुब्बी है। ठीक है, ये देखें, ये क्या है? इसको कहते हैं कैनोए, यानी कि डोंगी। इसके अंदर दो या तीन यात्री जो है बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ये है जेट्स की, इसको जेट स्कूटर भी बोलते हैं। इसके अंदर इंजन लगा होता है और इसमें एक या दो यात्री जो है इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आगे चलते हैं फेरी बोट। इसमें भी जो है यात्री, बहुत सारे यात्री जो है, लगभग 50 या 100 करीब यात्री जो है बैठ सकते हैं और इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाते हैं। इसमें भी मोटर जो है लगी होती है। ये है कयाक। इसके अंदर जो है एक ही यात्री जो है बैठता है और ज़्यादातर जो ये लोग कंपटीशन लगाते हैं तैराकी का, किश्तियों का, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, कश्ती का। ये है बोट, सिंपल बोट। नाव। ये है सेल बोट, यानी कि पालों वाला जो जहाज है। इसमें जो पल्ले आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है ना, ये हवा के कारण जो है इसको, हवा की जो दिशा में इसको इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है ताकि हवा इसको जो है आसानी से खींच सके। ये है याच, नौका इसको बोलते हैं। ये भी मोटर से चलती है, इसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट। इसके अंदर पीछे एक फैन लगा होता है, बहुत स्पीड में जो है ये चलता है। ये देखें, ये क्या है? ये है कार्गो शिप, मालवाहक जहाज। इसमें जो है जो सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक देश से दूसरे देश जो है सामान जो है इसमें लाद के ले जाया जा सकता है। जी हाँ, तो अब आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, बताएं इसका क्या नाम है, सोचो। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका नाम है सबमरीन या पनडुब्बी। चलिए अभी आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, अब आप उसका फिर नाम बताएंगे। ये बताएं। जी हाँ, मालवाहक जहाज, यानी के कार्गो से। ये बताएं, बिल्कुल सही, ये है बोट। ये बताएं क्या? जी हाँ, जेट्स की, इसको जेट स्कूटर भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लास में और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।